السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیوں आज ये हमारे प्रोग्राम की नवी नशिस्त है। एक सिलसिलेवार मौजू चल रहा है मुसलमानों में पाए जाने वाले शिरकिया आमाल और उनका रद्द। इस दर्स के अंदर ऐसे शिरकिया अक्वाल और अफ़ाल का ज़िक्र किया जाता है अक्सर मुसलमान जिनका इर्तिकाब कर बैठते हैं और उनका एहसास तक नहीं होता है। उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि मैं शिर्क के बारे में क्या बातें बोल रहा हूँ या तौहीद के मुखालिफ कैसी बातें अपनी ज़ुबान से निकाल रहा हूँ। आज के दर्स का ज़ैली उन्वान है नाम और अलकाब व आदाब में गैर महसूस शिर्क। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे समाज और माशरे में आम हैं, राइज हैं और जिनसे शिर्क की बू आती है, लेकिन अक्सर मुसलमान उन नामों का माना और मफहूम ना समझने की वजह से उन नामों के माने और मफाहीम पर गौर ना करने की वजह से अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं और लोगों को उन नामों से पुकारते भी हैं। और बहुत सारे ऐसे अलकाब व आदाब हैं जिनसे शिर्क की बू आती है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़े लोगों को उनका उन अलकाब व आदाब से याद करते हैं। तो एक खसूसी ज़ैली उन्वान है नाम और अलकाब व आदाब में गैर महसूस शिर्क। बाज़ नाम ऐसे हैं जिनमें शिर्क का शायबा पाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अग़यज़ रजुलिन अलल्लाहि तआला यौम अल-क़ियामति व अख़बसहु अग़यज़हु अलैहि रजुलुन कान युसम्मा मलिक अल-अमलाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अग़यज़ रजुलिन अलल्लाहि यौम अल-क़ियामा व अख़बसहु अग़यज़हु कान युसम्मा मलिक अल-अमलाक ला मलिक इल्ला अल्लाह। सही मुस्लिम की किताबुल अदब की रवायत है। तर्जुमा इस तरह से है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा गज़ब अंगेज़, खबीस और बदतरीन वो शख्स होगा जिसका नाम मलिकुल अमलाक यानी शहनशाह रखा गया होगा। दुनिया में लोग उसको शहनशाह कहकर पुकारा करते थे, दुनिया में उसका नाम शहनशाह रख दिया गया था, अल्लाह के अलावा कोई मालिक नहीं है। आइए इस हदीस की रोशनी में ज़रा हम अपनी उर्दू ज़ुबान और बोल चाल का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि हमारे उर्दू ज़ुबान में कितने ऐसे अल्फाज हैं, कितने जो है नाम और अलकाब व आदाब हैं जो इस हदीस के ख़िलाफ़ हैं। नंबर एक, हमारे यहाँ बादशाहों को शहनशाह कहने का आम रिवाज है। मसलन शहनशाह जलालुद्दीन, शहनशाह जलालुद्दीन अकबर या शहनशाह आलमगीर, तो बादशाहों के नामों से पहले शहनशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये सरासर गलत है और ये शिर्क है।
क्योंकि बादशाहों का बादशाह अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे मुल्क में इरशाद फरमाया, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्ल शैइन कदीर। अल्लाह की जात बड़ी बाबरकत जात है जिसके हाथ में हर तरह की बादशाहत है। कुरान मजीद के अंदर इस माने की बेशुमार आयात मौजूद हैं जिन आयतों में अल्लाह ताला ने अपने आप को सारी कायनात का बादशाह करार दिया और अपनी बादशाहत में किसी को भी शरीक करने से सख्ती से मना फरमाया है। इसी तरह से किसी को दौराने गुफ्तगू महावरतन शहनशाह कहना, मसलन किसी के बारे में कहा जाए शहनशाहू क्या हाल है, ये भी गलत है। इसी तरह से किसी दरगाह और आस्ताने में दफन हुए शख्स के लिए या तसव्वुफ वगैरह से ताल्लुक रखने वालों के लिए शहनशाह का लफ्ज बोलना भी गलत है। मसलन शहनशाह विलायत, शहनशाह तसव्वुफ, शहनशाह फ़क्र वगैरह। आज कब्रिस्तानों में आप चले जाइए तो बहुत सारे लोग दुनिया में जिनको लोग बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे, तसव्वुफ़ में वो बुलंद मकाम पर दुनिया की लोगों की नज़रों में फाइज थे, उन नामों के साथ आपको कब्रों पर कतबे नज़र आएंगे जिसमें इस तरह के अलकाब आदाब शहनशाह विलाय, शहनशाह तसव्वुफ़ वगैरह आपको नज़र आएंगे लिखे हुए। इसी तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए अशआर में शहनशाह का लफ्ज बोलना, जैसे अहमद रजा खां बरेलवी की नात है, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चले काबे का काबा देखो। यूं ला इल्मे में या जान बूझ कर अल्लाह का ये मुकद्दस नाम शहनशाह उसकी मखलूक के लिए हम बेधड़क इस्तेमाल कर बैठते हैं या इस्तेमाल करते हैं और ये नहीं जानते कि इस नाम के इस्तेमाल पर वो हम पर किस कदर गजबनाक होता होगा। इसी तरह से एक नाम है हमारे समाज में बहुत राइज है, बदीउज़्ज़मा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने आप के बारे में फरमाया, अपने ज़ात के बारे में, बदीउज़्ज़मावाति वल अर्ध, अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन को अनोखे अंदाज में पैदा करने वाला है। बदीउ समावाति वल अर्ध, बदीउ ज़मा माने के एतबार से मुनासिब नहीं है। इसका माना है ज़माने को ईजाद करने वाला या ज़माने को अनोखे अंदाज में पैदा करने वाला। ये नाम रख करके लोग गैर महसूस शिर्क का इर्तकाब करते हैं। इसी तरह एक नाम है दाता। दाता ये अल्लाह की सिफत है। दाता के माने देने वाला, दाता के माने अता करने वाला, दाता के माने नवाजने वाला। ये लफ्ज सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ज़ेबा है, किसी मखलूक के लिए नाम दुरुस्त नहीं है। मसलन दाता गंज बख्श, किसी के बारे में कहा जाए दाता गंज बख्श, या किसी को कहा जाए अन्न दाता। इसी तरह से एक नाम है इमाम बख्श, रसूल बख्श, गौस बख्श। इन नामों में बख्शने की निस्बत मखलूक की तरफ की गई है जो कि सरासर हराम और नाजायज़ है। इन नामों का दुरुस्त तरीका इस तरह से होगा, अल्लाह बख्श, रहीम बख्श वगैरह। इसी तरह से एक नाम हमारे समाज में मिलता है नवाजिश अली, अली की नवाजिश, इमदाद हुसैन, हुसैन की इमदाद, नुसरत अली, अली की नुसरत। तो नुसरत, नवाजिश और इमदाद ये अल्लाह की खसूसी सिफात हैं, यानी खसूसी मदद अल्लाह फरमाता है, नुसरत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है। इन नामों में नवाजिश, इमदाद और नुसरत की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर दूसरे लोगों की तरफ की गई है। और मफहूम इन नामों का होगा अली की नवाजिश, हुसैन की इमदाद, अली की नुसरत। इसलिए सब नाम दुरुस्त जायज़ नहीं है। और इस तरह के नाम अक्सर शिया लोग रखते हैं जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुश्किल कुशा समझते हैं या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताज़ीम में गुलू करते हैं। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बाज़ सिफ़ात ऐसी हैं
जो सिर्फ उसी के लिए मखसूस हैं। जैसे रहमान, अल्लाह के नामों में से एक सिफाती नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। हई, अल्लाह की सिफाती नामों में से एक नाम है, हमेशा जिंदा रहने वाला। कयूम, हमेशा कायम रहने वाला। मुही, जिंदा करने वाला। मुमीत, मौत देने वाला। कुद्दूस, पाक ज़ात, पाक ज़ात। किसी शख्स का बगैर किसी इजाफत के इन नामों में से नाम रखना दुरुस्त नहीं है। मसलन किसी मुसलमान के बारे में कहा जाए कि ऐ रहमान इधर आओ, ऐ हई इधर आओ, ऐ कयूम इधर आओ, यह सरासर शिर्क है, क्योंकि ये नाम अल्लाह के सिफाती नामों में से हैं और अल्लाह के साथ ख़ास हैं। अलबत्ता इजाफत के साथ अब्द का जुमला इन अल्फाज इन नामों के साथ जोड़ करके आप नाम रख सकते हैं। मसलन अताउर रहमान, अब्दुल हई, अब्दुल कयूम, अमतुर रज़ाक, आबिदुर रहमान वगैरह। बास लोग अल्लाह के नामों का इस्तेमाल इस अंदाज से करते हैं कि मफहूम से शिर्क टपकने लगता है। इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा। बाज लोग अल्लाह के नामों का इस्तेमाल इस अंदाज से करते हैं कि मफहूम से शिर्क टपकने लगता है। मसलन एक नाम किताबों पर लिखा मिलता है, एक निसाबी किताब है, उसमें एक आदमी का नाम लिखा हुआ है, वक़ार इबन इलाही या वक़ार इबन इलाही लिखा हुआ है, जिसका मतलब है मेरे अल्लाह का बेटा वक़ार। ये सराशर शिर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपने गुलाम को अब्दी यानी मेरा बंदा या अपनी लौंडी को अमती मेरी बंदी ना कहा करे, बल्कि मेरा नौजवान या मेरी लड़की कहा करे। क्योंकि हकीकत में तुम सब अल्लाह के बंदे अब्द हो और तुम सब उसकी अमत यानी बादियां हो। औरतें अल्लाह की बादियां हैं और मर्द अल्लाह के बंदे हैं। ये सही मुस्लिम की 5874 नंबर की रवायत है। ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह तआला के महबूब रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को शिर्क की बारीक से बारीक सूरत से बचने के लिए बचाने के लिए ये बात बयान फरमाई कि कोई शख्स अपने गुलाम को अब्दी या अपनी लौंडी को अमती ना कहा करे। क्योंकि अरबी ज़ुबान में बंदे और गुलाम दोनों के लिए अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अरबी ज़ुबान में अब्द बंदे और गुलाम दोनों के लिए मुस्तमल है। लिहाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे और गुलाम के दरमियान लकीर खींच कर दोनों के लिए अलग अलग अल्फाज का इस्तेमाल बताया ताकि शिर्क का शुबहा तक पैदा ना हो। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात तय्यबा में, अपनी हयात मुबारका में ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम बदल दिए जिनकी अब्दियत की नस्बत गैरुल्लाह की तरफ थी। जैसे अब्दुल्लाह ज़ुल्बुजादैन सहम अल-मुज़नी का नाम अब्दुल-उज़्ज़ा था, ये एक मशहूर सहाबी रसूल हैं। उनका नाम अब्दुल-उज़्ज़ा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम अब्दुल्ला रखा। इसी तरह अब्दुल्लाह, अब्दुल-हारिस और इसी तरह से अब्दुल-जान, इस तरह के जिन लोगों के नाम भी थे, जिन लोगों के नाम इस तरह के थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका नाम चेंज किया और सबका नाम अब्दुल्लाह रख दिया। अब्दुल काबा, इस नाम को असम तब्दील करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असम रख दिया। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम भी अब्दुल काबा था, उनका नाम भी बदल कर अब्दुल्लाह रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामों में शिर्क के इस अंदाज को सख्त नापसंद किया है। इसके बावजूद हमारे यहाँ जाहिल मुसलमानों में रखे जाने वाले बाज नाम वाज़े शिर्क हैं। मसलन बहुत सारे लोग नाम रख देते हैं अब्दुल-नबी, अब्दुल-नबी माने नबी का बंदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि अपने गुलाम को अब्दी ना कहा करो। जब गुलाम को अब्दी कहना जायज़ नहीं है तो किसी बच्चे का नाम अब्दुल-नबी रखना कैसे जायज़ हो जाएगा। इसी तरह अब्दुल-हुसैन, ये भी शिर्किया नाम है। अब्दुल-रसूल, रसूल का बंदा, ये भी शिर्किया नाम है। अब्दुल-गौस, गौस का बंदा, ये भी शिर्किया नाम है।
इसी तरह से किसी मखलूक या खुद साख्ता माबूद का नाम अल्लाह के लिए रखना। अभी तो ये सूरतें हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह के नामों को गैरों के लिए इस्तेमाल करना, या अल्लाह के जो खसूसी नाम हैं वो नाम मखलूक की रखना, मखलूक के लिए उन नामों का इस्तेमाल करना। यहाँ पॉइंट ये है, किसी मखलूक या खुद साख्ता माबूद का नाम अल्लाह के लिए रखना, अल्लाह ताला के सिफाती नाम सिर्फ वही रखना जायज़ है जो कुरान और हदीस में वारिद हैं। अगर उनके अलावा किसी मखलूक या खुद साख्ता माबूद का नाम अल्लाह के लिए लिखा जाए या पुकारा जाए तो भी शिर्क ही का एक तरीक़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए प्यारे प्यारे नाम हैं तो अल्लाह को उन्हीं प्यारे प्यारे नामों से पुकारा करो। वज़रु अल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइह, और उन लोगों से दूरी अख्तियार करो जो अल्लाह के नामों में कजरबी अख्तियार करते हैं। आमश कहते हैं कि इस आयत से मुराद ये है कि लोग अल्लाह के नामों में, अल्लाह के अस्मा में इजाफा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ऐसे ऐसे नाम तजवीज़ करते हैं जो अल्लाह के नाम नहीं हैं। इस लिहाज से हमारे यहाँ चंद ऐसे नाम हैं जो बड़े मशहूर हैं, लोग अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन नामों का इस्तेमाल अल्लाह के लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि वो नाम गैरुल्लाह के हैं और वो नाम मुशरिकों ने अपने माबूदों के रखे हैं। नंबर एक, खुदा का लफ्ज़, अल्लाह के लिए खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा ये फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका लुगवी माना होता है खुद आ गया। खुदा माने खुद आ गया, किसी ने पैदा नहीं किया। और पारसी मज़हब में दो खुदा हैं, खुदाए खैर और नंबर दो खुदाए शर। खुदाए खैर को पारसी लोग खुदाए खैर को यजदा और खुदाए शर को अहरमन कहते हैं। इसे तस्नीवियत यानी दो खुदाओं का तस्वूर भी कहते हैं। इस लफ्ज़ से बहुत सारे अल्फाज मिलते हैं, बनते हैं, जैसे नाखुदा अल्लाह के बारे में, खुदावंद मालिक के बारे में, खाविंद शोहर के बारे में इस्तेमाल करना किया जाता है। ये इसी खुदा से बनाया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुदा का लफ्ज़ मौजूद था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ना ही सहाबा ने इस्तेमाल किया, ना ही ताबईन ने इस्तेमाल किया। लिहाजा अल्लाह के लिए खुदा का नाम ज़ेबा नहीं। शुअरा भी अक्सर अपनी शायरी में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसकी तफसीर बयान की जाए तो काफ़ी वक्त चाहिए। बहुत सारे अशार में शुअरा ने इस्तेमाल किया और कहते हैं ज़रूरत शायरी की बिना पर है, यानी चूँकि दूसरा कोई नाम अल्लाह के नामों में से अशार में सेट नहीं होता, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोशिश की जाए और मेहनत की जाए तो बहरहाल इस नाम से शायरी के अंदर भी बचा जा सकता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। दूसरा नाम जो अल्लाह के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह के लिए उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है, वो है यजदा। मैंने भी बताया था कि पारसी मजहब में दो खुदा का तस्वूर पाया जाता है, एक खैर का खुदा, एक शर का खुदा। तो खैर के खुदा को वो यजदा कहते हैं और शर के खुदा को अहरमन कहते हैं। यजदा नेकी का खुदा। हमारे असलाफ इस लफ्ज़ को बोलने से इज्तनाब करते थे। सुनाते अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्ला कहा करते थे कि मैं यजदा का हल्फ उठाना मकरूह समझता हूँ, क्योंकि यजदा अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें मुशरिकाना तसव्वुरात पाए जाते हैं। इस कौल को अल्लाह बिन तैमिया रहमहुल्ला ने अपनी किताब इक्तदा सिरातुल मुस्तकीम में ज़िक्र किया है। हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान में या उर्दू शायरी में अमूमन और नसर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल, यजदा का इस्तेमाल चाहे शायरी हो चाहे नसर, किसी में जायज़ नहीं है। चंद अशार आप सुने और गौर कीजिए, करें उस पर किस तरह शुअरा ने अल्लाह के लिए यजदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फरियाद किस लिए है दरे यजदा पर, फरियाद किस लिए है दरे यजदा पर,
इल्ज़ाम तराशते हो क्यों शैतान पर, यज़्दा ने किए कभी न शैतान ने किए, इंसान ने किए जो सितम इंसान पर। तो यहाँ पे यज़्दा का जो इस्तेमाल है वो अल्लाह के लिए किया गया है। आज इंसान ने भुला डाले हैं यज़्दा के करम, आज इंसान ने भुला डाले हैं यज़्दा के करम, हमने तो जुल्म भी एहसान तेरे जाने हैं। यहाँ भी इस शेर के अंदर की आज इंसान ने भुला डाले हैं यज़्दा के करम, हमने तो जुल्म भी एहसान तेरे जाने हैं, हमीद जाज़िब का शेर है। इसके अंदर भी यज़्दा से मुराद अल्लाह ताला को लिया गया है। इसी तरह से एक शेर है, यज़्दा ने मुस्कुरा कर बड़ी देर में देखा, यज़्दा ने मुस्कुरा कर बड़ी देर में देखा, एक लफ्ज़ आरज़ू मेरे दिल की किताब में। इन तमाम अशआर में यज़्दा का इस्तेमाल अल्लाह ताला के लिए किया गया है, जो कि जायज़ नहीं है। इसी तरह बहुत सारे लोग अपने आप को यज़्दानी लिखते हैं, यज़्दा की तरफ मंसूब करते हुए, ये भी दुरुस्त नहीं, जैसे मोहम्मद यज़्दानी, अली यज़्दानी वगैरह। इसी तरह से गॉड का इस्तेमाल अल्लाह के लिए करना, उर्दू उसे इंग्लिश तर्जमा करते हुए अल्लाह के लिए गॉड का तर्जमा करना, जो यज़्दा और खुदा की तरह शिरकिया तसव्वुर का हामिल है। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक बाप यानी अल्लाह ताला, बेटा यानी मसीह और रूह यानी जिब्रील, ये तीन मिलकर गॉड बनते हैं। इसलिए वो बेटा और रूह को छोटे हरूफ में गॉड लिखते हैं, जबकि गॉड का को कैपिटल हरूफ में लिख कर उसकी वजाहत करते हैं। लफ्ज़ अल्लाह का तर्जमा किसी भी ज़ुबान में मुमकिन नहीं है, चाहे कोई शख्स कुरान का तर्जमा उर्दू में करे, चाहे उसका तर्जमा हिंदी में करे, चाहे उसका तर्जमा अंग्रेज़ी में करे, चाहे उसका तर्जमा मराठी में करे, चाहे उसका तर्जमा गुजराती में करे, जहाँ लफ्ज़ अल्लाह कुरान में आया है वहाँ उसका तर्जमा अल्लाह ही करना चाहिए, ज़ुबान के फ़र्क से उसको चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अंग्रेज़ी वाले अल्लाह की जगह गॉड इस्तेमाल करते हैं, हिंदी वाला कुछ और इस्तेमाल करे, भगवान इस्तेमाल करे, इस तरह के दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, जायज़ नहीं है। इसी तरह से यार एक लफ्ज़ है, यार दोस्त के बारे में, अगर कोई शख्स अल्लाह को पुकारते हुए यार कहता है और यार कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है, अल्लाह के बारे में यार का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो ये जायज़ नहीं है। क्योंकि यार अमूमन इंसानों की दोस्ती के लिए, इंसान एक दूसरे से जब दोस्ती करते हैं तो उनके लिए इस्तेमाल होता है। मियाँ, अल्लाह मियाँ, बचपन से हम लोग ये लफ्ज़ सुनते आए हैं, अल्लाह मियाँ बहुत बड़े मेहरबान हैं, अल्लाह मियाँ बहुत बड़े रहीम हैं, अल्लाह मियाँ बहुत नवाजने वाले हैं। तो मियाँ का लफ्ज़ किसी बुज़ुर्ग और मोहतरम शख्सियत के लिए बोला जाता है। एक बरेलवी जो है आलिम है, जिसका नाम है हाशमी मियाँ, ये बरेलियों में बहुत मशहूर है और उसका बरेलियों का मुनाजिर समझा जाता है। तो हाशमी मियाँ, ये मियाँ बुज़ुर्गी के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर कोई अल्लाह मियाँ कहता है, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करता है, तो जायज़ नहीं है। बाद लोग इस नाम को अल्लाह मियाँ को अल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, अल्लाह मियाँ कहते हैं, ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक है, इंसानों की तरह बुज़ुर्ग नहीं है। जैसे इंसानों में बुज़ुर्ग होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इंसानों की तरह मुशाबे करार देना और इंसानों के लिए जैसे मियाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी अत्ताई के साथ बरतर अकबर है। यहाँ दरअसल फारसी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है मह, बड़ा बुज़ुर्ग, उसी से मियाँ बनाया गया है। इस लफ्ज़ का दुरुस्त इस्तेमाल सिर्फ इंसानों की बुज़ुर्गी के लिए है, चाहे बुज़ुर्गी इल्म के लिहाज से हो या उम्र के लिहाज से हो। यही वजह है कि देहात में इमाम मस्जिद और दीनी इल्म से बहरावर शख्स को पहले मियाँ कहा जाता था, मियाँ साहब आ गए, मियाँ बाबा आ गए। नीज़ ये बूढ़े आदमी को भी इज्जत के लिए मियाँ जी कहते हैं लोग, बूढ़े आदमी के लिए भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए कहा जाता है, मियाँ जी, मियाँ जी। इसी तरह से एक लफ्ज़ है ज़िल्लुल्लाह, ज़िल्लुल्लाह का माना होता है अल्लाह का साया। इसी तरह होता है ज़िल्ले सुबहानी, ऐब से पाक ज़ात का साया। तो ये अगरचे मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं लेकिन दोनों का मफहूम एक है। आम तौर से ज़िल्लुल्लाह का लफ्ज़
हमारे यहाँ उर्दू जुबान के अंदर बादशाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बादशाहों के लिए उसको बोला जाता है। उर्दू और फारसी जुबान में जिल्लुल्लाह किसके लिए बोला जाता है? बादशाहों के लिए। और जिल्ले सुभानी का लफ्ज उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों के ख्याल में तसव्वुफ और रूहानी कमालात में इस कदर बुलंद मर्तबा हासिल कर लेते हैं कि अल्लाह की ज़ात का परतो बन जाते हैं। नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर तरह के शिर्क और कुफ्र से बचाए, जिसे जिल्ले सुभानी, महबूब यजदानी, गौफ़े समदानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, यानी अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतने अलकाब व आदाब, जिल्ले सुभानी, महबूब यजदानी, गौसे समदानी, समद भी अल्लाह की सिफत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफत को गैर की इस्तेमाल किया जाए, या इसी तरह से यजदा को अल्लाह के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं जबकि अल्लाह के लिए भी इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं, उसी मुनासबत से यहाँ महबूब यजदानी कहा जाता है। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस तरह के अलकाब व आदाब इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये दोनों अल्फाज अपने माने और मफहूम दोनों लिहाज से मुशरिकाना अल्फाज हैं। एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी शख्स के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौहीद की तालीम, तौहीद का फहम और ख़ास तौर से तौहीद की हकीकत को समझने की तौफीक अदा फरमाए, हमें हर तरह के शिरकिया और कुफरी आमाल से इज्तनाब करने की तौफीक अदा फरमाए। ऐ रब्बुल आलमीन, जिस मकसद के लिए तूने हमें इस दुनिया में पैदा किया है उस मकसद की तकमील की तौफीक अदा फरमा, उस मकसद में हमें मेहनत करने की और आगे बढ़ने की तौफीक अदा फरमा। अल्लाह हमारी छोटी बड़ी तमाम नेकियों को कबूल फरमा, छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमारे इस प्रोग्राम से जो लोग भी जुड़े हुए हैं और जहाँ से भी इस प्रोग्राम में लोग शरीक हैं, अल्लाह तो सबकी शिरकत को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी ज़ुबान से जो बातें सही निकली हैं अल्लाह तेरी तरफ से तेरी तौफीक से उसको कबूल फरमा, अगर कुछ गलती होती है तो मेरे नफ्स की तरफ से है, शैतान की तरफ से, अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने फजल और रहमत से इस दुनिया में अमन के साथ और ईमान के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की रोशनी में या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हसना की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अदा फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।